छलकाती हो, शर्माती सकुचाती हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SCN की इस खास पेशकश किचन क्वीन में। मैं हूं आपके साथ शाहिना, और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं अलग अलग नई डिश बनाने के तरीके। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं उषा जी, जो कि योगा की टीचर हैं। आज हमें वो सिखाने वाली हैं करी पत्ते के नमक पारे बनाना। ये नाम बहुत ही सुनने में मुझे नया नया लगा, शायद आप लोग भी पहली बार ये नाम सुन रहे हो या फिर आपने सुना हो। तो इसे बनाने का क्या तरीका है, उषा मैम ने इसे कहाँ से सीखा है, ये सब जानकारी आज हमें वो देंगी। तो चलिए बिना देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सीधा रुक करते हैं उषा जी की ओर। तो फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उषा जी, जो कि योगा की टीचर भी हैं, लेकिन आज हम उनसे जानने आए हैं एक नई डिश बनाने का तरीका। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, आज हम क्या बनाने वाले हैं? हम कड़ी पत्ते के नमक पारे बनाने वाले हैं जी। कड़ी पत्ता हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारा BP सही रखता है, उसके बाद हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम इसमें कड़ी पत्ते का यूज़ ले रहे हैं जी। और ये हम मैदे में भी बना सकते हैं और आटे में भी बना सकते हैं। अच्छा, तो आज मैं मैदे में बनाना बता रही हूँ आपको। आटे में बनाने के लिए उसको हमें थोड़ा आटे को भाप दिलानी पड़ती है जी। तो आज मैं आपको मैदे में कड़ी पत्ते के नमक पारे बनाना सिखा रही हूँ जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो उम्मीद करती हूँ सभी लड़कियों को भी ये डिश बनाना ज़रूर पसंद आएगा। तो मैम, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम आधा घंटा। आधे घंटे में ये बनकर रेडी हो जाती है। ओके, तो क्या बच्चों को ये पसंद आती है? बच्चों के लिए? बच्चों को बहुत पसंद आती है, प्लस जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं जी, वो एक बार अगर इसको टेस्ट करते हैं तो उसके बाद इसकी रेसिपी जरूर पूछते हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। मतलब अगर गेस्ट ही पूछ रहे हैं कि ये कैसे बनती है, इसकी रेसिपी पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही टेस्टी बनती होगी। मैम, आपने ये डिश बनाना कहाँ से सीखी है? मैंने खुद ने अपनी कल्पना से ही इसमें कड़ी मैदे के नमक पारे तो हम वैसे नॉर्मली बनाते ही हैं, लेकिन इसमें हेल्थ के अकॉर्डिंग मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड करा है, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जी। तो मैम ने ये खुद अपने दिमाग से बनाना स्टार्ट किया है, और मतलब ये बहुत नई डिश है, तो ज़रूर पसंद आएगी आप सभी को। तो चलिए मैम, आपसे जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं डलता, बस हमें मैदा चाहिए, कड़ी पत्ता चाहिए, तलने के लिए ऑयल चाहिए, ओके, ये जीरावन पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, ओके, ये सूखा पुदीना है, और ये साल्ट अपने स्वाद अनुसार डालते हैं जी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी डिश बनकर तैयार होने वाली है। इसको स्टार्ट करते हैं बनाना जी। बस मैदा लेंगे। मैदा मैम इसमें कितना लेना होगा? ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर त्यौहार त्यौहार पर बनाना है हमें तो हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। और ऐसे अभी मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ। ओके, इसमें हमें नमक कुछ नहीं डालना जी, नमक और ये खाली नमक डालना है, मॉइन नहीं डालनी है बिल्कुल भी, बिल्कुल, ताकि ये क्रिस्पी और कुरकुरे बन सके। अच्छा, इसलिए इसमें हम मॉइन नहीं डालते हैं जी। इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ओके, और इसमें हम ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने बचाया है, इसके बाद में तल कर फ्राई कर फिर जब कड़ी पत्ता तैयार हो जाएगा, ये पूरा नमक वाले तैयार हो जाएंगे, तो फिर हमें उसमें तल कर ये डालेंगे थोड़ा सा जी। तो हम इसको आटे को लगा लेते हैं जी। हम साल्ट डाल देते हैं, पहले थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें बाद में ऊपर से भी मसाला डलता है जी। अब हम इसको लगाते हैं आटे को। आटा इसका जो मैदा का आटा बना रहे हैं हम, तो इसको क्या हार्ड रखना होता है या सॉफ्ट? ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, बहुत कम मटेरियल में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है जी। इसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंद लेना जी। इसको और टेस्टी बनाने के लिए क्या इसमें और कुछ ऐड अप कर सकते हैं? ऊपर से इसमें मसाले डालेंगे, ये बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छा, बिना किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के भी ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। बहुत अच्छा है, और मैं दिवाली पर अपने घर पर दिवाली होली पर अवश्य बनाती हूँ इसको। अच्छा। और इसको काफ़ी जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको बहुत पसंद आती है ये चीज़ जी। चाय के साथ बच्चे भी स्नैक्स के रूप में खाते हैं इसको। अच्छा, चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं? चाय के साथ ले सकते हैं। ओके, तो गेस्ट को भी हम रखें तो उनको भी हम चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल जी। देखिए, मैदे को हमें इस तरीके से रखना है, ना ये ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा लूज भी नहीं है जी। तो इस तरीके से आटा हमें गूंद लेना है। ओके फ्रेंड्स, आप इस डिश को अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनको
स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम बेलने वाले हैं। मैम क्या इसको बेलने के लिए एक्स्ट्रा मैदा लेना होगा हमें, ताकि ये चिपके ना उस पर? हल्का सा तवे पर, इस पर चकले पर तेल लगा देते हैं। अच्छा, तेल से भी नहीं चिपकेगा। ओके, तेल नहीं भी लगाएंगे तो भी ये नहीं चिपकेगा शायद। इसको बहुत पतला पतला बेलते हैं, मोटा नहीं बेलते हैं, ताकि ये क्रिस्पी बने। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ज़्यादा, तो इसको बहुत ही पतली लेयर में आप बेल लें, इसे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। मैम आगे अब क्या करने वाले हैं? काटेंगे जी, मतलब पतला काटेंगे। काटने के बाद में हम इसको थोड़ी देर, जब हम पूरे ये मैदे के बेल कर काट लेते हैं, उसके बाद काट कर थोड़ी देर हवा में सुखा देते हैं इसको 10-15 मिनट, ताकि ये क्रिस्पी और करारे बन सके। जी, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैम इसे काट रही हैं। इसी तरीके से आप भी इसे पतला पतला काट लें। मैम इनको क्या थोड़े और बड़े उसमें भी काट सकते हैं, या फिर ये साइज इसकी नॉर्मल होती है? काट सकते हैं, लेकिन उसमें जब हम उसको फ्राई करते हैं तो उसमें ऑयल भर जाता है। अच्छा। तो इसलिए थोड़े कम ही छोटे काटे हैं तो ज़्यादा बढ़िया। अब इसको हम थोड़ी देर हवा में फैला देते हैं जी, कम से कम 10-15 मिनट। ये सारे आप मैदे के, जैसे हम आधा किलो मैदे के मटन बनाते हैं जी, नमक पारे बनाते हैं, तो उसको 10-15 मिनट के लिए पेपर में फैला दें आप पंखे के नीचे, थोड़ा सा सूख जाएंगे तो अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे जी। मैम जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, आपने तेल गरम करने चढ़ा दिया है। तेल गरम होने तक हम आपसे जान लेते हैं, आपकी एज क्या होगी मैम? मेरी एज 63। और मैम को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो योगा करती हैं, इस वजह से वो कितनी फिट रहती हैं। तो मैम मेरी सेहत का राज योगा ही है जी। मैं 11 साल से क्लास ले रही हूँ तलमंडी में, और शाम को भी एक इवनिंग में महिलाओं की क्लास ले रही हूँ जी। तो आप उनको सिखाते भी हैं? तो बच्चों की भी आप क्लास लेती हैं? बच्चों की अभी फिलहाल नहीं लेती हूँ मैं। अच्छा, सुबह हमारे क्लास में जेंट्स भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, और इवनिंग की क्लास में सिर्फ लेडीज़ के लिए जी। जो मैं तलमंडी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लेती हूँ जी। गवर्नमेंट स्कूल में आप उनको? अब इसको तलना शुरू करते हैं। ओके ओके, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि उषा मैम इनको फ्राई कर रही हैं। मैम इनको फ्राई कितनी देर तक करना है? बस ये कलर इनका सुनहरा हो जाए, सुनहरा कलर होने तक इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, लेकिन क्रिस्पी करने ही है हमें। क्रिस्पी के लिए इनको ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आप सब देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वाइट नहीं रहने चाहिए जी, ताकि मैदा कच्चा ना लगे और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए, थोड़े डार्क ब्राउन ही हो जाते हैं ये जी। बस ब्लैक नहीं होने चाहिए, जलना नहीं चाहिए, उससे पहले हम इसको निकाल देंगे। करी पत्ते के नमक पारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जिन्हें मैम सर्व करने के लिए निकाल रही हैं। और आप सब देख सकते हैं, देखने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। इसमें ऊपर से हम मसाला डालेंगे, और फिर बाद में जो हमने कड़ी पत्ता बचाया था जी, वो थोड़ा सा कड़ी पत्ता फ्राई करके डालेंगे जी। कड़ी पत्ते को भी फ्राई करना पड़ेगा जी। हम इसमें डालेंगे जीरा वन पाउडर। ये कितना डालना मैम? ये अपने स्वादानुसार है, क्योंकि ये खट्टा होता है। अच्छा, थोड़ा सा नमक,
नमक भी स्वाद अनुसार हम डालेंगे। नमक क्योंकि हमने बीच में पहले भी ऐड किया है। जी, सूखा पुदीना और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। जी, थोड़ा तीखापन इसमें आ जाए। तीखापन आ जाएगा। जी, फिर इसको मिक्स करना है। उसके बाद हमें इसमें कड़ी पत्ते, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कड़ी पत्ते को मैं फ्राई कर रही हैं। गैस बंद कर दिया है मैंने, ऑयल ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें कड़ी पत्ता इजीली फ्राई हो जाता है और जलता भी नहीं है। जलता भी नहीं। जी, यहाँ पर हमारा करी पत्ता भी फ्राई हो चुका है। अभी हम गरम में हाथ लगाएंगे तो थोड़ा हाथ जलेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो इसको हाथ से मैश करके हम इसके ऊपर। जी, मैश करके इसको के ऊपर डालें। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। जी, इस तरीके से ये हमारी कड़ी पत्ते के नमक पारे की डिश तैयार है। जी, बिल्कुल रेडी हो गई है ये हमारे करी पत्ते के नमक पारे। तो फ्रेंड्स, करी पत्ते के नमक पारे हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक क्विक व्यू। कड़ी पत्ते के नमक पारे बनाने की विधि। कड़ी पत्ता, मैदा, तेल, जीरावन पाउडर, नमक, लाल मिर्च और सूखा पुदीना। मैम, आप टेस्ट करके बताइए कि ये कैसे बने हैं और आपको कैसे लगे। मैं एक बार टेस्ट जरूर करूंगी इसको। बहुत ही कुरकुरे ही बने हुए हैं, मतलब इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इनको अपने बच्चों को खिला सकते हैं, गेस्ट को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैम, बहुत ही स्वादिष्ट आपने जो डिश बनाई है बनी है। थैंक यू मैम प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी सिंपल और इतनी आसान डिश शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम में बस इतना ही। आज हमने जाना करी पत्ते के नमक पारे बनाना। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये डिश बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अब वक्त चला है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप भी किचन क्वीन बनना चाहती हैं और आप भी बनाती हैं खाना बहुत ही बेहतरीन या कोई अच्छी डिश आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो हम स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकती हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पर संपर्क करें। तो अब मुझे यानी शाइना को दीजिए विदा। गुड बाय एंड टेक केयर। छलकाती वो, हर माती सब जाती।